हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की न्यू वीडियो पानी पानी भोजपुरी। खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, बादशाह, पवन सिंह एंड झंड जी। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। एंड पानी पानी भोजपुरी यानी खेसारी भैया का सॉन्ग एंड तुम सा कोई प्यारा नहीं है पवन सिंह का सॉन्ग, दोनों पर मैंने ऑलरेडी रिएक्शन कर दिया है, तो आप लोग जाकर प्लीज़ देखिएगा। एंड दोनों सॉन्ग यार ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हिट जा रहे हैं, मिलियन ऑफ मिलियन व्यूज़ कमा रहे हैं, तो उसका रिएक्शन तो देखना बनता है यार, जाकर ज़रूर देखना। ओके, वीडियो एंजॉय करना और चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। बरसा पानी, पानी में जवानी और अब पानी ही पानी। हाँ ठीक है, पानी पी। कुल मिलाकर पानी के ठेकेदारों की जनसंख्या बढ़ रही है। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। मतलब इस साल की गर्मी में पानी की किल्लत थोड़ी कम होने वाली है। साले इनका पानी पिएगा तू? पीले पीले कोई मासूम नहीं है। वाह, राहत इंदौरी साहब ने अपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि उनका लिखा हुआ गाना भोजपुरी में भी बजेगा। साले ध्यान से देख, यहाँ पर भी हिंदी में ही बज रहा है। तुम जान हो मेरी, तुझे मालूम नहीं है। तो का हाल है, बवाल है दोस्तों। आज हम एक बार फिर से, बहुत जल्दी आ गया हूँ ना, नहीं खेसारी और पवन का एक साथ गाना आए और मेरा कमाना छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब वो लोग एक ही गाने को कई भाषा में गा गा करके पोस्टर तक रिलीज करके पैसा कमाए और हम वीडियो भी ना बनाए। सही बात है, ऐसे तो फिर लानत है हमारे यूट्यूबर होने पर। छपरी यूट्यूबर, अच्छा लिमिट में रहना, समझ गए, वरना बवंडर ला दूंगा यूट्यूब के अंदर घुस के। तो चलो ना यार, मेरी वीडियो पर कितना डिसलाइक आया ये सोचना बंद करके बिना नाले की धोती कैसे बांधते हैं ये सोचने का शुरू करते हैं सफर, और स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया वसण। तेरी आँखें बता रही है कि कल रात तेरे संग सीन हुआ। अच्छा, ये रात को सीन हुआ, ये आंखें कैसे बताती हैं बे? अरे गलत लाइन है ये, सही लाइन ये है कि तेरी आंखें बता रही है कि कल रात तूने गांजा पिया। अरे भैया, बता रही है कि कल रात तेरे संग सीन हुआ। अरे भैया लगे हाथ ये भी बता देते कि ऐसा कौन सा सीन है जो रात में हुआ है। वो मशीन वाला सीन है, तुझे समझ में नहीं आएगा। कौन सा मशीन है? साले छटहिया मशीन, रात भर बैठ कर गाय भैंसों के लिए चारा काटी है ये। बस करो भैया, इतना नीचे जाने का जरूरत है? वो पानी रोकने जा रहे हैं। पानी पानी हो गई। नहीं मने ऐसे खोल के कौन बताता है मैडम कि पानी पानी हो गई? अरे ऐसे तो सब लोग समझ जाएंगे ना कि पानी पानी तुम तो नहीं हुई हो, बल्कि हाँ हाँ बोल बोल। छोड़ जाने दे, सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई। अरे मैडम 2-4 लीटर इधरो भेजवाओ, सारा पानी अकेला पी जाओगी। साले इनका पानी पिएगा तू? बार बार क्यों, वो बिस्लेरी का पानी पीते हैं। कोई भी हो पानी होता है। हाँ तो पानी तो अपने टॉयलेट के कमोड में भी है, बोलते निकलवाओ 2-4 लीटर। चल भूखा क्लास बखाली भर भूखा साथ ही लईका से डर भूखा। अबे क्या हो गया, पंजाबी लोग भोजपुरी गा रहे हैं, भोजपुरी वाले हिंदी गा रहे हैं। हद हो गई है। हाँ यही तो हम भी कह रहे हैं, हद हो गई। भोजपुरी में राइटरों की कमी हो गई है, इसीलिए भोजपुरी के सिंगर पुराने हिंदी गानों की रिपेयरिंग कर रहे हैं। नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, फेसबुक पर राज प्रजापति नाम के यूजर ने कमेंट किया है। ये भी सही है।
जाऊं एक कड़ में भारम भारम पे घोड़ा घोड़ा पे चढ़बू का चढ़बू का घोड़ा घोड़ा पे चढ़बू का बड़े हरामी हो बेटा, पहले चने की झाड़ पे चढ़ाए हो और अब घोड़े पे चढ़ा रहे हो। कोई सेंस है इस बात की? अरे तोहरा लल्ला बादशाह, तोहरा लल्ला बादशाह। अबे इतना बड़ा लल्ला किसका होता है? और अभी अभी तुम घोड़े पे चढ़ा रहे थे और अब लल्ला बन गए। थोड़ा देर रुको, अभी नल्ला बन के भी दिखाएगा। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। अच्छा, अरे मैडम, ऐसा कौन सा तरीका है जैसे देखने से आप पानी पानी हो जाती हो? अब देखने से तो कोई पानी पानी नहीं होता है मैडम, झूठ बोल रही हैं, कुछ तो है जो छुपा रही हैं। मुझे भी यही लग रहा है। अरे मैडम बता भी दो थोड़ा, हम भी जाने कि कैसे देखने पे आप पानी पानी होती हो। अच्छा अच्छा, नहीं सही बात है, जो तू बोल रहा था ना वही सही है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। नहीं, ये बात तो सही है, इनसे प्यारा और मासूम कोई हो भी नहीं सकता। यही बात 10 साल पहले गोविंदा ने करिश्मा कपूर को भी बोला था। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से प्यारा और मासूम कौन है। सटायर। एक काम करो, दोनों से गोबर पथवाओ, जो सबसे पहले पाथ लेगी समझ लो वही प्यारा और मासूम है। और जो गोबर सूंघ कर निपट जाए उसका क्या? तुम जान हो मेरी, तुझे मालूम नहीं है। देखो वैसे तो मैं कभी भी किसी के भी पहनावे पे कभी कोई कमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है, पर ये देखकर आप लोग खुद ही बताओ कि सारी ठंडी पवन भैया को ही लग रही है या सारी गर्मी मैडम को लग रही है। पवन सिंह, ये जैकेट पहनकर भले ही आलू लग रहे हो, पर अगर यही जैकेट मैडम को पहना देंगे तो मैडम भालू लगने लगेंगे। गाने के प्रोड्यूसर को मैडम की हाय लगेगी, बता रहा हूँ मैं। सही है। बताओ, इतनी ठंडी में एक आदमी को कंबल उड़ा दिया और मैडम को। पहली बात तो ग्रीस में ठंड नहीं होती है। कोई बात होती है। ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हो भाई? ऐसे इशारे पर हमारे यहाँ सैंडल से मार पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं? अगर विश्वास ना हो तो धरती से पूछ लो। क्यों धरती? चुप बे साले, तेरा एक्सपीरियंस तू बता। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। यार बस आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा सा छोटा था क्योंकि गाने दो ही थे और ये इमरजेंसी में बना है क्योंकि पैसा भी कमाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना, और डिसलाइक की बात आज मैं करूंगा नहीं क्योंकि आप कर भी नहीं पाओगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, थोड़ा पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। सो यार देखो, जोक्स अपार्ट, ठीक है, वो तो बस जोक्स थे रोस्ट में, ठीक है, लेकिन दोनों सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे तो कॉस्ट्यूम वगैरह से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है वो। और दूसरी बात, जो ड्रेस की बात की जा रही है झंड जी ने, जैसा कि कहा कि हाँ अगर जो कोट पवन भैया ने पहना है वो मैडम को पहना देते तो वो भालू लगती, धरती बोल रहा था वो। खैर यार, लड़कियों के भी ओवर कोट आते हैं और वो पहनती भी हैं, ठीक है, अभी कुछ भी करें, चाहे सर्दी के लिए पहने चाहे वो फैशन के लिए पहने। लेकिन ग्रीस में जहाँ की लोकेशन पर ये गाना शूट हुआ है, ठीक है, वहाँ पर
सर्दी ऐसी नहीं पड़ती है, ठीक है, जैसा जस्ट लाइक मुंबई वहाँ का वेदर होता है, क्योंकि यार समंदर के पास है, ठीक है, और समंदर के पास जितने भी कोस्टल एरियाज़ के जो भी कंट्रीज़ होती हैं, शहर होते हैं, सिटीज़ होती हैं, जो भी होती हैं, तो उनका एनवायरमेंट थोड़ा सा अलग होता है, वो कपड़े जस्ट फॉर वीडियो पहने गए हैं, ठीक है। तो यार मुझे तो वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, मतलब रोज था, फनी रोज था, मज़ा आया वीडियो देख के। ओके, तो अगर आप लोग को रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।